दोस्तों, हमारा इंडिया एक था, एक है और हमेशा ही एक रहेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर हमारे सभी राज्य अलग अलग देश होते तो क्या होता, हमारे राज्य क्या दुनिया के देशों को टक्कर दे पाते और क्या उन्हें इससे फायदा होता या नुकसान। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। हम सिर्फ स्टेट्स की ही बात करेंगे। अगर ये सभी कंट्रीज होते तो जहाँ आज साउथ एशिया में सिर्फ 8 देश है, वहाँ 36 देश होते। हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे राज्य भी दुनिया के दूसरे देशों को टक्कर दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैग्स की। अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके फ्लैग्स भी होते। वैसे तो फिलहाल इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी भी स्टेट्स के पास ऑफिशियल फ्लैग नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर तो फिलहाल राज्य नहीं रहा, इसीलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटका और सिक्किम के पास अपने अनऑफिशियल स्टेट फ्लैग्स है, और बाकी सभी राज्यों के पास भूतकाल के प्रिंसली स्टेट्स और दूसरे पैरामीटर्स के आधार पर अपने अनरिकॉग्नाइज स्टेट फ्लैग्स तो है। तो अगर ये सभी अलग अलग देश होते तो उनके नेशनल फ्लैग्स उनके इन स्टेट फ्लैग्स से मिलते जुलते ही होते। दोस्तों, अब सभी राज्यों को एरिया, पॉपुलेशन और जीडीपी वाइज दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं। हम सभी राज्यों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अगर देश होता तो उसका एरिया अफ्रीकन देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के एरिया के बराबर होता, जिसे राजस्थान पूरी दुनिया में 61वां सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह उसके बाद का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश का एरिया मिडल ईस्ट के ओमान के बराबर है, जिससे मध्य प्रदेश एरिया वाइज 66 नंबर पर आता। थर्ड सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र का एरिया यूरोपियन देश नॉर्वे के एरिया से भी ज्यादा होता, जिससे महाराष्ट्र 67 नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह इंडिया के सबसे छोटे तीन राज्य त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा है। त्रिपुरा का एरिया लेबेनॉन जितना है, जिसे त्रिपुरा एरिया वाइज 155वें नंबर पर आता। सिक्किम का एरिया साउथ ईस्ट एशिया के देश ब्रुनेई के एरिया जितना है, जिसे सिक्किम 159वें नंबर पर होता। इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा का एरिया फ्रेंच पोलिनेशिया के एरिया जितना है, जिससे गोवा एरिया वाइज 162वें नंबर पर आता। दोस्तों, गोवा अगर देश होता तो भारत का सबसे छोटा देश होता, लेकिन फिर भी गोवा बहरीन, सिंगापुर, लग्जमबर्ग और मॉरिशियस जैसे देशों से बड़ा होता। दोस्तों, एरिया वाइज सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्यों की बात की हमने। अब कुछ रैंडम स्टेट्स को एरिया वाइज दूसरे देशों के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि ओडिशा, जिसका एरिया नॉर्थ अफ्रीकन देश ट्यूनिशिया के बराबर है, जिससे ओडिशा 89th नंबर का सबसे बड़ा देश होता। कर्नाटका का एरिया सेंट्रल एशिया के किर्गिस्तान जितना है, जिससे कर्नाटका 84th नंबर का सबसे बड़ा देश होता। उसी तरह हरियाणा यूरोपियन देश डेनमार्क के बराबर है, जिससे वो 125वें नंबर का सबसे बड़ा देश होता। केरला का एरिया हमारे पड़ोसी भूटान के एरिया जितना है, जिसे केरला एरिया वाइज 128वें नंबर पर होता। नॉर्थ ईस्ट के मेघालय का एरिया इजराइल जितना है, जिसे मेघालय 143वें नंबर पर आता। दोस्तों, एरिया के बाद बात करते हैं पॉपुलेशन की। भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो उसकी पॉपुलेशन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा होती, जिससे उत्तर प्रदेश 5वें नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। सेकंड नंबर पर मौजूद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश इथियोपिया की आबादी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 12वें नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। बिहार की आबादी फिलीपींस की आबादी जितनी है, जिससे बिहार भी 14th नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। दोस्तों, बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश की आबादी मिडल ईस्ट के बहरीन की आबादी जितनी है, जिससे वो 152वें नंबर पर होता। मिजोरम की पॉपुलेशन साइप्रस जितनी है, जिससे पॉपुलेशन के मामले में मिजोरम 158वें नंबर पर होता। सिक्किम की पॉपुलेशन यूरोपियन देश मोंटेनेग्रो जितनी है, जिससे सिक्किम 168वें नंबर पर होता पॉपुलेशन के मामले में। सिक्किम की आबादी इंडिया में सबसे कम है, लेकिन फिर भी सिक्किम की आबादी मालदीव्स, आइसलैंड और ग्रीनलैंड की आबादी से ज़्यादा है। चूज करते हैं कुछ रैंडम स्टेट्स। तेलंगाना। तेलंगाना की आबादी अफगानिस्तान जितनी है, जिससे वो 37th नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता। आसाम की आबादी सऊदी अरेबिया जितनी है, जिससे आसाम पॉपुलेशन वाइज 41वें नंबर पर होता। छत्तीसगढ़ की आबादी नेपाल की आबादी जितनी है, जिससे वो 49th नंबर का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होता।
उत्तराखंड की पॉपुलेशन अफ्रीकन देश साउथ सुडान के आबादी के बराबर है, जिससे उत्तराखंड 84th नंबर पर आता। मणिपुर की आबादी आर्मेनिया के बराबर है, जिससे मणिपुर पॉपुलेशन वाइज 137th नंबर पर आता। दोस्तों अब बारी है जीडीपी की। जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, जिसकी जीडीपी ईरान के जीडीपी के बराबर है, जिससे महाराष्ट्र 27वें नंबर का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश होता। उसके बाद के तमिलनाडु के जीडीपी लगभग पाकिस्तान के जीडीपी के करीब होती, जिससे वो 41वें नंबर का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश होता। गुजरात की जीडीपी यूरोपियन देश फिनलैंड की जीडीपी के बराबर है, जिससे गुजरात जीडीपी के मामले में 42 नंबर पर होता। दोस्तों इंडिया के सबसे कम जीडीपी वाले राज्य है सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम की जीडीपी अंडोरा की जीडीपी के बराबर है, जिससे सिक्किम 159वें नंबर पर आता। नागालैंड की जीडीपी साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनेम के बराबर है, जिससे वो जीडीपी वाइज 160वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाला राज्य मिजोरम की जीडीपी भूटान की जीडीपी के बराबर है, जिससे जीडीपी में मिजोरम 164वें नंबर पर होता। सबसे कम जीडीपी वाले मिजोरम की जीडीपी भी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेशेल्स और गाम्बिया जैसे देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। रैंडम स्टेट्स। दोस्तों वेस्ट बंगाल की जीडीपी साउथ अमेरिकन देश पेरू की जीडीपी जितनी है, जिससे वेस्ट बंगाल जीडीपी के मामले में 50वें नंबर पर होता। आंध्र प्रदेश की जीडीपी यूरोपियन देश हंगेरी की जीडीपी के जितनी है, जिससे आंध्र प्रदेश 56वें नंबर का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश होता। पंजाब की जीडीपी श्रीलंका की जीडीपी जितनी है, जिससे पंजाब का नंबर 65वां होता। झारखंड की जीडीपी यूरोपियन देश सर्बिया की जीडीपी के बराबर है, जिससे झारखंड 86th नंबर का सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश होता। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी अफ्रीकन देश युगांडा के बराबर है, जिससे वो जीडीपी के मामले में 101वें नंबर पर होता। दोस्तों बात करते हैं रिलीजन्स की। दोस्तों अगर रिलीजन की बात करें तो इन नए देशों में ज़्यादातर में हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में होती, सिवाय पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, क्योंकि इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्रिश्चियंस और पंजाब में सिख आबादी मेजोरिटी में है। दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पास समुन्द्र किनारा है। इसके अलावा के सभी राज्य अगर देश होते तो वो लैंडलॉक्ड होते। कोस्ट लाइन वाले देशों को व्यापार करने में आसानी होती, जबकि लैंडलॉक्ड देशों को व्यापार करने में प्रॉब्लम होती। कोस्ट लाइन वाले राज्यों को बाहरी अटैक से बचने के लिए बढ़िया नेवी की भी ज़रूरत होती। दोस्तों अगर बात करें मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो ऑब्वियसली जिन राज्यों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनकी मिलिट्री में सैनिकों की तादाद भी सबसे ज़्यादा होती, और जिन राज्यों की जीडीपी ज़्यादा है तो उनकी मिलिट्री उतनी ही एडवांस होती। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए आपका राज्य किस मामले में किस देश से बराबर है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।